You are watching SBR News 1. Today's news updates, let's watch. नमस्कार, आप देख रहे हैं SBR News 1 और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बिजनौर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बता दें, SP के निर्देश पर सभी थानों में अवैध शस्त्रों के निर्माण और खरीद फरोख्त को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि खेम सिंह और अरविंद अवैध रूप से शस्त्र बनाने का कारोबार कर रहे थे। पंचायत चुनाव को देखते हुए ये लोग भारी मात्रा में अवैध हथियार बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से दो तमंचे, 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर, एक बंदूक देसी 12 बोर, जिंदा कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। टीम ने मिलकर के ज्वाइंट रूप से एक असलहा बनाने की फैक्ट्री पकड़ा है, जिसमें से लगभग एक दर्जन 315 बोर के तमंचे, एक बंदूक और आधे दर्जन अजवने, जिसमें नाल एवं अन्य उपकरण बरामद हुए हैं, गैस कटर, भट्टी आदि। ये दतियाना जंगल के पास में जो हस्तिनापुर ब्रिज है, उसके खादर में ये बनाने का कार्य करते थे। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इनका कहना है कि एक मांग इसकी बढ़ेगी, 5000 से 10000 के रुपए में इसकी बिक्री होगी। इनको पकड़ा गया है। इसमें से एक अभियुक्त खेम सिंह पहले भी जेल जा चुका है। इनका गैंग का पंजीकरण होगा। अभी इन्होंने विक्रय नहीं किया था, प्रारंभिक अवस्था में ही इनको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। हाथरस के मोहल्ला रमनपुर में नकली तेल बनाने की फैक्ट्री सील की गई। बता दें, पीपल चौक में IDC मास्टर ऑयल नामक दर्दनाशक तेल बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। जब जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा को जानकारी मिली तो उन्होंने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में बना हुआ तेल और उसको बनाने का रॉ मटेरियल बरामद हुआ, जिसका लाइसेंस भी वर्ष 2014 तक ही वैलिड था। और यही नहीं, फैक्ट्री मालिक जिस ब्रांड का तेल बना रहे थे उसके कॉपीराइट्स के प्रमाण पत्र भी नहीं दिख रहे थे, जिसके चलते जॉइंट मजिस्ट्रेट ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। बता दें, एक शीशी की कीमत 145 रुपए है। कि पीपल चौक है, यहाँ पर किन्हीं के द्वारा एक IDC ब्रांड का कुछ तेल, आयुर्वेदिक तेल बनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज मौके पर छापा मारा गया और मौके पर वो तेल बनता हुआ, काफ़ी मात्रा में बनता हुआ पाया गया। प्लस जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है बनाने का, वो भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पाया गया। जब जो फैक्ट्री मालिक हैं उनसे उसका लाइसेंस मांगा गया, तो आज की तारीख में वो सिर्फ ऐसा लाइसेंस दिखा पाए जो 2014 तक ही वैध था। 2014 के बाद वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, उसके बाद उसका नवीनीकरण ये नहीं दिखा पाए, ना ही ये उस ब्रांड का कॉपीराइट का लाइसेंस दिखा पाए। तो उसी क्रम में दुकान को सील किया गया है, इनको समय दिया गया है। अगर ये 7 दिन के भीतर अपनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं तो इसको अनसील कर दिया जाएगा, और अगर ये नहीं दिखा पाते हैं तो नियमानुसार इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। क्या नाम है सर? हाथरस के ग्राम फरसोटी में प्रधान और सेक्रेटरी ने लाखों की सरकारी संपत्ति बेची। वहीं स्थानीय ग्रामवासियों ने सरकारी संपत्ति बेचे जाने का विरोध किया और जिलाधिकारी से इसकी शिकायत भी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके गांव में एक काफी पुरानी पंचायत घर बना हुआ है, जिसमें लाखों रुपए की ईंटें, पत्थर, जंगला और चौखट लगे हुए थे, जिनको प्रधान और सेक्रेटरी ने JCB से तुड़वा दिया और उसके मलबे को भी बेच दिया। जबकि इस मलबे की नीलामी की जाती तो सरकार के खाते में लाखों रुपए पहुंचते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से की गई। वहीं इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है, शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमाशंकर पाठक है। तो आप प्रधान जी के कौन भाई? छोटे भाई हूँ। रत्न देवी हैं आप? रत्न देवी। ये आपके भाई पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है सरकारी संपत्ति को बेच दिया, खुर्द-बुर्द कर दिया, क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है सर जी, एक तो ग्राम पंचायत इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहा है, कुछ जो हमारे विरोधी हैं हमेशा जो भी काम हम कोई गांव में कोई भी शुभ काम कराते हैं उसमें गत्य रुद्रोध हमेशा करते हैं, हमेशा आड़ंगा लगाते हैं। और ये तो 5 साल हम कैसे कैसे काट के लाए, कई बार इन्होंने FIR हमारे खिलाफ कई बच्चों को फंसाने की कोशिश की है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राम हरी शर्मा। शर्मा जी कहाँ के रहने वाले? हरसोटी के। ये आपके गांव का क्या मामला चल रहा है? प्रधान ने जो पंचायत घर तोड़वा दिया है, इसमें रोरी भर रही एक ट्रक और ईंट साली इधर उधर बेच दी, वो भी चली गई, मतलब पड़ा हुआ इधर उधर। तो किसके द्वारा करवाया जा रहा है ये सब? प्रधान के द्वारा हुआ है भाई।
तो किससे तोड़वा दिया इन्होंने? जेसीबी से। कहाँ के रहने वाले हैं? सोटी। ये जो आपकी ग्राम पंचायत में जो आप लोगों ने शिकायत करी है जिलाधिकारी महोदय से, क्या पूरा मामला था? ये पंचायत का बना हुआ था सर, इसमें एक हॉल, दो तीन कमरे थे, बरामदा जो था वो डैमेज हो चुका था। इसमें जो गाटर और पत्थर और ईंट जो लगी हुई थी, गाटर तो निकाल के बेच दिए गए। एक गाटर गांव में रखा हुआ है जो बेचा हुआ है नीलामी में। किसके द्वारा? सर, थाना मुरसान के फरसवती गांव में सरकारी संपत्ति को प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा बेचा गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, करीब दो दिन पहले इस संदर्भ में शिकायत तहसील स्तर पर प्राप्त हुई है और उसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर इस तरह की कोई बात निकल के आती है कि कानून के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध अगर इस तरह की कोई गतिविधि हुई है, तो जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में विकास कार्य कराए जाने के नाम पर 36 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। गांव के प्रधान सेक्रेटरी और सफाई कर्मचारी ने बिना काम कराए सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया। बता दें, मटेरियल खरीद के नाम पर एक प्राइवेट फर्म को लगभग 10 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया, तो वहीं हैंडपंप रिबोर कराने के नाम पर भी 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसी तरह सरकारी स्कूल में स्थल विकास दिखाकर करीब 4 लाख, तो वहीं सोक पीट निर्माण में लगभग 6 लाख रुपए का गोलमाल किया गया। गाँव के ही रहने वाले शिव गणेश ने इस पूरे मामले की शिकायत डीएम से की है। डीएम मार्कंडेय शाही ने इसे गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया और इस पूरे फर्जीवाड़े की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर तलब की है। शिव गणेश तिवारी, ग्राम पंचायत जगदीशपुर कटरा, विकास खंड वजीरगंज, जनपद गोंडा। आपने कोई शिकायत की है भ्रष्टाचार को लेकर? जी, भ्रष्टाचार जी। ये 28,16,000 रुपए का गबन है। ये 1 जुलाई 2020 से 19 दिसंबर 2020 के मध्य में ग्राम पंचायत वकील खान और विकास ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी मनीषा यादव और इनके सहयोगी अमरनाथ यादव ने कूट रचित दस्तावेज का प्रयोग करके गबन किया है। ये वजीरगंज में ग्राम पंचायत में अनियमितता संज्ञान में आई थी, जिसमें लगभग 36 लाख के आसपास का इसमें गबन का प्रकरण संज्ञान में आया था। इसमें 3 सदस्यीय समिति जाँच के लिए गठित की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए।